यूं तो कहते हैं कि प्यार में ब्रेकअप के बाद अक्सर प्रेमी और प्रेमिका डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कोई आत्मघाती कदम उठाता है तो कोई अवसाद का शिकार बन जाता है। लेकिन झारखंड के कोडरमा जिले के एक युवक की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप ने किस्मत बदल दी, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद रोने धोने के बजाय युवक ने खुद कुछ बड़ा करने की ठानी और कोडरमा स्टेशन के बाहर चाय की दुकान खोल दी। दरअसल कोडरमा जिले के रहने वाले दीपक कुमार का साल 2019 में उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद दीपक भी काफी परेशान रहने लगा, लेकिन उसके मन की जिज्ञासा और कुछ कर गुजरने की ललक ने दीपक को खुद के पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत दी, जिसके बाद उसने कोडरमा स्टेशन के बाहर चाय की दुकान खोली। हालांकि शुरुआत में उसकी चाय की दुकान अपने अटपटे नाम के लिए जानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोग उसकी चाय के दीवाने हो गए और अब ब्रेकअप चाय नाम का उसका टी स्टॉल कोडरमा में हॉटस्पॉट बन गया है। मेरा मैं पहले पढ़ाई करता था, तो उसके बाद मुझे एक प्रेम हुआ, एक लड़के से मुझे प्रेम हुआ, उसके बाद प्रेम पड़ने के बाद मेरा ब्रेकअप हुआ। 2019 में ब्रेकअप हुआ था, तो हम सोचे ब्रेकअप होने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, मतलब इसी तरह कुछ कर रहे थे, तो उसके बाद हम कुछ सोचे कुछ करें, तो उसकी वजह से मेरा हम चाय दुकान इसी तरह पहले चलाते थे, फिर सोचे कुछ हट के ही करना पड़े, तो इसकी वजह से मैं ब्रेकअप चाय दुकान का नाम रखा। वहीं दीपक की मेहनत और हाथों के हुनर का ऐसा जादू चला कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, सब के सब ब्रेकअप चाय वाले दीपक के हाथों की बनी चाय के दीवाने हो गए। क्योंकि ब्रेकअप चाय टी स्टॉल पर दीपक के हाथ की बनी 10 अलग अलग किस्म की चाय भी मिलती है, जिसमें मसाला चाय, मटका चाय, तंदूरी चाय, अदरक चाय, कॉर्न चाय, मलाई चाय, केसर चाय और इलायची चाय प्रमुख है। आपको बता दें कि ये दुकान कोडरमा स्टेशन के पास है, जो ग्राहकों की सेवा में 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। इसके अलावा ये ब्रेकअप चाय की दुकान उन प्रेमी जोड़ों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है, जो प्रेम प्रसंग में ब्रेकअप के बाद सुसाइड जैसे खौफनाक कदम उठाते हैं।